इंदौर जिले के देपालपुर थाने पर पुलिस विभाग और स्थानीय न्यायालय द्वारा चीट फंड की धोखाधड़ी रजिस्ट्रेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय थाना परिषद में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायालय के SDO शिवनाथ सिंह मावी और थाना प्रभारी सुश्री मीणा कर्णवाल द्वारा नगर के गणमान्य लोगों और नगर सुरक्षा समिति को संबोधित करते हुए जानकारी दी गई कि चीट फंड की धोखाधड़ी से किस प्रकार आम जनता को बचाया जा सकता है और किसी भी फोन के द्वारा अपने व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, ATM कार्ड की जानकारी, जन्मतिथि आदि किसी भी व्यक्ति को ना दें। बैंकों द्वारा किसी भी व्यक्ति को फोन द्वारा जानकारी नहीं मांगी जाती। लोगों के सुझाव भी मांगे गए और उनकी समस्या का निराकरण भी किया गया। देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। सेमिनार चिटफंड के संबंध में आयोजित किया गया तो उसका उद्देश्य ये है कि जो चिटफंड में छोटी छोटी जो कंपनियाँ हैं वो जो फ्रॉड करती हैं लोगों के साथ में, जो गरीब लोग हैं उस कंपनियों के माध्यम से फ्रॉड हो जाता है उनके साथ में, वो कौन सी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके बारे में जानकारी और लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान, मतलब एक सेमिनार आयोजित किया गया था। इसका ये मेन उद्देश्य है कि व्यक्ति कोई किसी फ्रॉड में ना फंसे और अपने पैसे गलत जगह ना लगाए। सेमिनार आयोजित की गई है जिसमें चिट फंड के नाम पर कई भोले वाले गरीब लोगों को लोग अपने जो ग्रुप बना करके जो बिना रजिस्टर्ड संस्थान रहते हैं और लोगों को ठगते हैं, उनके जो पसीने की कमाई को ले जाते हैं, उसके संबंध में उनको यहाँ पर देपालपुर के जो सज्जन शक्ति आई थी उनके साथ चर्चा की गई कि वो किसी भी संस्थान में अपना धन लगाएं तो सबसे पहले देखें कि वो संस्थान रजिस्टर्ड है या नहीं, उसका पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही उसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो संबंधित पुलिस अधिकारी और बैंक में जाकर के अपना संपर्क करें और ऐसे लोगों को जो समाज में लोगों की संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके लोगों के संबंध में अधिक से अधिक जागरूक। शिवनाथ सिंह मावई, ADPO देपालपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।